हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कावासाकी W200 के बारे में। पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें W175 नहीं W200 होने वाला है, मतलब 200cc या 220cc का इंजन हो सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें बजाज 220F का इंजन भी हो सकता है। ये कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं, दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें बजाज 220F का भी इंजन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं, लेकिन मतलब 100% क्लियर नहीं है कि इसमें 220F का इंजन होगा कि नहीं होगा। ये सिर्फ एक र्यूमर ही है अभी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इसमें 200+ cc का ही इंजन होने वाला है। और इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि यार इसकी जो पावर टॉर्क है, यानी W175 की जो पावर टॉर्क है वो 13 bhp 13 Nm के आसपास है और बहुत ज़्यादा कम है। मतलब इतने कम पावर टॉर्क में कैसे इंडिया में आप सर्वाइव कर सकते हो? लुक्स के बेस पे, सिर्फ लुक्स के बेस पे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे रेट्रो क्लासिक में तो FZX भी है जो 13 bhp की पावर देती है और अच्छा खासा सर्वाइव कर रही है। ठीक है, उसकी सेल भी अच्छी खासी आ रही है, लेकिन देखिए उसका प्राइस काफ़ी कम है, यानी 1,20,000 में एक शोरूम कीमत में ये पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे W200 जो है वो आपकी 1,50,000 और 1,60,000 के बीच बीच में होने वाली है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि प्राइस का काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क है। अगर इस प्राइस में 13 bhp यानी 13 bhp की बाइक आपको मिलेगी तो आप क्यों लोगे, मुझे उसका सिंपल सा रीज़न बता दो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 13 bhp की पावर की बाइक क्या 1,50,000 में आप खरीदना चाहेंगे कि नहीं। तो दैट्स वाई इसके इंजन को अपग्रेड किया गया है। अब 200+ cc का ही आपको इसमें इंजन मिलने वाला है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, ये रॉयल इनफील्ड को बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देने वाली है। फीचर्स की बात करें तो यार इसको हम साइड बाय साइड रॉयल इनफील्ड से भी कंपेयर करते रहेंगे, क्लासिक और बुलेट से भी कंपेयर करते रहेंगे, तो इसमें राउंड हेडलैम्प मिलने वाली है। और क्लासिक वगैरह में हमें टाइगर आई वाली राउंड हेडलैम्प मिलती है, जो काफ़ी हद तक, मतलब अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक इससे भी मैच कर रही है। और आपके इंटरसेप्टर बात करें तो सेम ही आपको हेडलाइट मिलते हैं। टैंक की बात करें तो टैंक मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। और देखिए एक टेयर ड्रॉप, मतलब टेयर ड्रॉप जो टैंक शेप है वो बेसिकली रॉयल इनफील्ड के लिए एक आइकॉन बन चुकी है। अगर मैं बुलेट की बात करूँ, क्लासिक की बात करूँ, कई लोगों का मानना है कि हम इसी वजह से क्लासिक को पसंद करते हैं, तो सेम आपको टेयर ड्रॉप शेप फ्यूल टैंक आपको मिलने वाला है, जहाँ पे तो 19-20 का आपको शायद फ़र्क रह सकता है, लेकिन ओवरऑल टैंक की जो शेप है वो वैसे ही रहने वाली है, टेयर ड्रॉप शेप में ही रहने वाली है, जो RE से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। लेकिन यहाँ पर ये कावासाकी है, आप याद रखिए। इसके अलावा दोस्तों सिंगल पीस सीट मिलने वाली है, जो बुलेट में आपको मिलती है। क्लासिक में तो ड्यूल सीट मिलती है, लेकिन बुलेट में आपको सिंगल सीट मिलती है। और इसके अलावा इसमें मतलब काफ़ी आपको पैटर्न से भी मिलने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से बुलेट में भी हमें मिलते हैं और वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और सेम इसमें भी हमें पैटर्न वही मिलने वाले हैं। इसके अलावा स्पोक व्हील्स मिलने वाले हैं, स्पोक व्हील्स का ऑप्शन बुलेट में मिलता है, क्लासिक में मिलता है, और क्लासिक में अब अलॉयज व्हील का ऑप्शन भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से कावासाकी को इसमें हमारा मतलब अलॉयज का ऑप्शन भी देना चाहिए, अगर लॉन्च कर रही है तो अलॉयज के ऑप्शन के साथ करे, बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। राउंड शेप हमें इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है हूबहू, काफ़ी हद तक ये भी आपका बुलेट से मैच करता है, जो बहुत ज़्यादा सही है कि यार काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन देने वाली है ये बाइक। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको साइड एग्जॉस्ट मिलने वाला है विद थिन नोजल हेड मफलर, जो मतलब यार यही हमें रॉयल इनफील्ड में मिलता है, काफ़ी हद तक मैच करता है, लेकिन इसका जो मुंह है वो कहेंगे कि हम काफ़ी हद तक पतला है। और काफ़ी हद तक इसमें ऐसा लगता है देखते कि आवाज़ मतलब साउंड इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अब देखिए क्लासिक और बुलेट जैसी आइकॉनिक साउंड तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छी साउंड हमें इसमें मिल सकती है। दोस्तों राइडिंग पोस्चर की मैं बात करूं तो राइडिंग पोस्चर स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दिया गया है, नहीं है रॉयल इनफील्ड बुलेट में जो हमें बेसिकली हमें राइडिंग पोस्चर मिलता है वैसा ही है। आप इसका हैंडल बार देख सकते हैं, फिर फुट पैक्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सड है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। मतलब आप लॉन्ग रूट भी इससे कर सकते हो, ईजिली लॉन्ग रूट करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ रीज़न बताऊँगा कि बुलेट से भी ज़्यादा इसमें आपके लिए लॉन्ग रूट करना ईजी रहेगा, वो आपको मैं एंड में बताऊँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें टेल लाइट की, तो यार ये टेल लाइट मुझे इंप्रेस नहीं कर रही है पर्सनली,
भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। कंपनी इसको और अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकती थी। ये बाइक ऑब्वियस ही बात है इंडोनेशिया में चलती बड़ी कामयाब है, वहाँ के लोगों को ये शायद पसंद आ सकती है इस तरह की टेल लाइट, लेकिन इंडिया में ये टेल लाइट बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। इंडिकेटर्स बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं, इंडिकेटर्स के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेल लाइट की डिज़ाइन को कंपनी को यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज कर देना चाहिए। अब देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यार इसमें 220F का इंजन हो सकता है, लेकिन देखिए वो कोई र्यूमर है, वो कोई पक्की न्यूज़ नहीं है, लेकिन हम एक मोटा मोटा आइडिया पकड़ लेते हैं कि इसमें हमें 17-19 BHP की पावर तो मिल ही जाएगी और लगभग इतना ही हमें टॉर्क मिल जाएगा, जो एक सफिशेंट है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। अब रॉयल इनफील्ड से कम कह सकते हैं या ज़्यादा कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बराबर ही रहेगा, हमें 19 BHP के आसपास ही हमें क्लासिक में पावर मिलती है, तो मतलब सेम ही उसमें हमें पावर टॉर्क मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक रॉयल इनफील्ड के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, जो शायद ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से लोग इसकी सेल तरफ ज़्यादा जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्लासिक से इसका प्राइस कम रहने वाला है, तो हो सकता है कि लोग इस एक पॉइंट की वजह से इसको ज़्यादा लें, वो है इसका कर्व वेट। हाँ जी दोस्तों, इसका जो कर्व वेट है रॉयल इनफील्ड से काफ़ी कम है, तो अगर मैं बात करूँ रॉयल इनफील्ड की तो 190+ kg ही होता है इसका कर्व वेट, मतलब 2 क्विंटल की ये बाइक होती है, और कई बार इसको धोना वगैरह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर पंचर हो जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ W175 की, अब देखिए W200 का वेट तो मैंने करा नहीं है, लेकिन W175 की बात करूं तो यार इसका वेट बहुत ज़्यादा कम है, 126 किलो, 126 kg इसका वेट है, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा कम वजन है। तो अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम वजन, अगर 200cc का इसमें इंजन ही डाला जा रहा है, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है, तो इंजन का वजन अगर और इंक्रीज होता भी है, मैक्स टू मैक्स इसका अब वजन जो है वो आपका 150 kg के आसपास ही हो सकता है, मतलब 24 किलो और ऐड कर लोगे यार, इससे ज़्यादा तो कुछ भी करके आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो यार अगर 150 किलो में अगर हमें ये बाइक मिल रही है, और देखिए 190 कहाँ, और मतलब 40 kg का सिंपल सा फ़र्क पड़ जाता है, और हैंडलिंग इसकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, हम इसे लॉन्ग रूट में इजिली लेके जा सकते हैं, लेह लद्दाख में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी रॉयल इनफील्ड के मुकाबले, तो यार ये एक इसका सबसे ज़्यादा बड़ा मेन पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि हाँ कावासाकी W200 को रहेगा। एंड में ओवरऑल बात करें तो यार देखिए जावा आई, फिर आपकी बैनली आई, और उसके अलावा कई कंपनियों ने रॉयल इनफील्ड को टक्कर देने की सोची और सोच रहे हैं, लेकिन डिज़ाइन के इतने करीब मैंने सिर्फ इसी बाइक को देखा है, तो दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूँ कि यार वजन कम है, इंजन छोटा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पावर उतनी ही मिल सकती है अगर कंपनी ठीक ढंग से डिज़ाइन करे। और कावासाकी से तो यार बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, इंटरनेशनल ब्रांड है, जैपनीज ब्रांड है, तो यार उससे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यार एक अच्छा ही इंजन सामने आएगा। तो यार कह सकते हैं 17-19 BHP का इंजन आ जाता है, और पावर भी अच्छी होगी, टॉर्क भी अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात वेट कम होगा, और प्राइस जो है वो आपका 1.5 लाख के आसपास होगा, तो यार ये रॉयल इनफील्ड की बैंड भी बजा सकता है। तो यार मतलब कर सकती है, मतलब ये नहीं कह रहा, गारंटीड कोई चीज़ नहीं कह सकता, लेकिन यार पॉसिबल है ये चीज़। चलिए दोस्तों वीडियो को आज यहीं पे अंत यानी समाप्त करते हैं, जाते जाते आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये रॉयल इनफील्ड को टक्कर दे सकती है, क्या आपको लगता है कि यार 1.5 लाख के प्राइस में ये क्लासिक की बैंड बजा सकती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।